तो अब हम क्या करेंगे राहुल? ब्रेकअप करना होगा। What? हम कभी एक नहीं हो पाएंगे, तुम्हारे भैया राजी नहीं होंगे, इसलिए मैंने अपने दोस्त को उनसे मिलने के लिए भेजा। अच्छा लड़का है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। तुम्हारे भैया को पसंद आया है, तुम्हें भी पसंद आ जाएगा। फिर तुम, तुम्हारे भैया और मैं तीनों खुशी खुशी रहेंगे। मुझे भूल जाओ प्रिया। प्रिया 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 प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? आई वॉज जस्ट किडिंग प्रिया, तुम्हें छोड़ के मैं जी सकता हूँ क्या? पता है, इस झप्पी के लिए इतना ड्रामा किया। ए, झप्पी दो, दे दो, दो वरना मैं जाऊंगा, चला जाऊं, जाऊं, जाऊं। ए साइको, राहुल पता है क्या? ये मेरी लाइफ की सबसे पहली चेज है। पहली चेज है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच राहुल। थैंक यू क्यों? थैंक यू फॉर गिविंग मी द फर्स्ट चेज ऑफ माय लाइफ। प्रिया, ये हमारे लाइफ की पहली और आखिरी चेज है, समझी ना? तो इस चेज को एकदम धांसू होना चाहिए। एक काम करें क्या? क्या? इस कार को ना हवा में उठा लो। हाँ? एक और काम करें, आगे ना वहाँ पे एक तालाब है, चलो कार को उसके अंदर डालते हैं। ओ नहीं नहीं राहुल, मुझे स्विमिंग नहीं आती, ऊपर उठना ज्यादा बेटर होगा। प्रिया, स्टॉप द कार। नहीं स्टॉप करेंगे। रुक जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अगर पकड़े गए तो समझो मारे गए। प्रिया, राहुल गैप कम हो रही है। प्रिया स्टॉप। पागल हो गया क्या? मेरे से खेल रहे हो बेटा? अभी बताता हूं। चुप, एकदम चुप यार, इसको फील करो। दिस इज अ चेज राहुल, एकदम एक्शन पैक्ड। हैव फन। अगर तेरे भाई ने पकड़ लिया तो ये एक्शन सीन बन जाएगा। तू जानता नहीं कि तूने पंगा किससे लिया है। अब देख, देख मैं तेरा क्या हाल बनाता हूं। राहुल, राहुल, भैया की जीप स्लो हो रही है। स्लो हो रही है? वो तो रुक गए हैं। रुक गए? शायद पेट्रोल खत्म हो गया होगा। ओ
हम जीत गए। यस। अरे हमारी कार भी स्लो हो रही है। अपना भी पेट्रोल खत्म। स्लो हो रही है, रुक जाएगी। रुक जाएगी, क्या हुआ? मुझे लगता है हमारा भी पेट्रोल खत्म हो गया है। लगता नहीं है, पक्का खत्म हो गया। राहुल भैया गाड़ी से नीचे उतरे। अब तक तो लग रहा था कि वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन अब डर लग रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, कार से मत उतरना। पता नहीं था इतनी जल्दी पकड़ा जाऊंगा। इतना अच्छा प्लान बनाया था, सारे प्लान पर पानी फिर गया। अब एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है, अब तक तो मम्मी और पापा घर पहुंच भी गए होंगे। हाँ तो मेरे भैया है ना, इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान से डरते हैं, मेरे पापा से। पापा उन्हें गुस्से से देख भी लें तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। पापा भैया से बात तक नहीं कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। आज इतने सालों बाद वो यहाँ आए हैं, तो अगर हम मेरे पापा को सब कुछ साफ साफ बता दे तो सब सेट हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? अगर हमने उन्हें बता दिया तो वो शिवा को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमारे एक होने के लिए उन्हें अलग करना ठीक नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? तुम कुछ मत करो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अब से तुम्हारे पापा और तुम्हारे भैया जो तुमसे कहेंगे वही करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके ओके। तुम नीचे मत उतरना, ओके? हैदराबाद से आपके माता पिता आए हुए हैं। जब हम सिंगापुर गए थे तब की है। ओ, शिवा ले गया था तुम्हें? हाँ। देखा आपने शिवा कितना बदल गया है? यकीन ही नहीं हो रहा है। राहुल की बहन की वजह से पापा ने 3 साल तक मेरी शक्ल नहीं देखी। 3 साल। आज की बात पापा को पता चली तो वो मेरा चेहरा ही नहीं देखेंगे।
तुम दोनों की वजह से उन्हें जरा भी तकलीफ पहुंची तो मैं राहुल को चैन से जीने नहीं दूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा। मैं पापा से कुछ नहीं कहूंगी, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी। राहुल को नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है, उसी ने मुझसे कहा है कि मैं आपकी हर बात मानूं, बस इसीलिए। कौन आया है? लगता है वो आ गए। अच्छा, come on my boy. कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया। अब तो तू खुश है ना? आज से ज्यादा खुशी मुझे नहीं मिली। कौन है ये? तू जानता है इसे? पापा ये कौन है? मैं नहीं जानता पापा। ए, ये जिंदा है, इसे हॉस्पिटल ले चलो। हम लोग जानते नहीं कि ये कौन है, इसलिए रहने देते हैं। एक आदमी मर रहा है, तू कह रहा है रहने दो? इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे तो ये बच जाएगा। एम्बुलेंस बुलाओ। पापा, एम्बुलेंस को आने में बहुत वक्त लग जाएगा, हॉस्पिटल नजदीक में ही है। अरे अब देख क्या रहा है, जल्दी से उठा इसे। ठीक है उठा रहा हूँ। संभाल कर, जल्दी उठाओ, चलो। Come on, quick!